जग हंसाई के बावजूद सुधर क्यों नहीं रहा पाकिस्तान। अभिनंदन की वापसी पर भारत ने फेल किया पाक का एक और पैतरा। दुश्मनों से लोहा लेते हुए पाकिस्तान के कब्जे में पहुंचे भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन की वतन वापसी हो रही है। वो वाघा बॉर्डर के जरिए भारत की धरती पर कदम रखेंगे। उनके भव्य स्वागत के लिए सुबह से ही अटारी बॉर्डर पर लोग हाथों में तिरंगा लिए और नारे लगाते हुए अभिनंदन का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि पाक इसमें भी पैतरा चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत ने एक बार फिर उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। जी हां, पूरी दुनिया में किरकिरी होने के बावजूद पाकिस्तान अपने पैतरों से पास नहीं आ रहा है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान अटारी बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट के दौरान अभिनंदन को सौंपना चाहता था, लेकिन भारत ने इसे खारिज कर दिया। दरअसल अभिनंदन की रिहाई की कवरेज करने के लिए देश विदेश की मीडिया वाघा बॉर्डर पर पहुंची हुई है। ऐसे में वो मीडिया की मौजूदगी में अभिनंदन को सौंप कर ये संदेश देना चाहता था कि वो शांति का समर्थक है, लेकिन भारत ने एक बार फिर से उसके पैतरों को नाकाम कर दिया। जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक अटारी बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट समारोह आज नहीं होगा और इसमें जनता की भागीदारी भी नहीं होगी। हालांकि बताया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों से ये फैसला लिया गया है। अटारी वाघा बॉर्डर पर इस समय सुरक्षा चाक चौबंद है। खबर है कि भारतीय वायुसेना ने उन्हें लाने के लिए अपने सीनियर अधिकारियों को दिल्ली से यहाँ भेजा है और वही उन्हें रिसीव करेंगे। खबर तो यहाँ तक है कि भारत अभिनंदन को सीधे पाकिस्तान से विशेष विमान से दिल्ली लाना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान भारत के इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुआ। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने इस तरह की हरकत की हो। इससे पहले कारगिल युद्ध के दौरान भी पाकिस्तान भारतीय पायलट नचिकेता को मीडिया के सामने भारत को सौंपना चाह रहा था, लेकिन भारत ने साफ इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि 27 फरवरी सुबह पाकिस्तान के लड़ाकू विमान को खदेड़ते खदेड़ते अभिनंदन का MiG-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और LOC क्रॉस करके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गिर गया था, जहां उन्हें पाकिस्तानी सेना ने हिरासत में ले लिया था। लेकिन भारतीय दबाव के चलते अभिनंदन को रिहा करने के लिए पाकिस्तान को मजबूर होना पड़ गया। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।